वेलकम बैक टू माय चैनल दिस साइड अस्मिता कानलेना एंड द चैनल्स नेम इज अस्मिता द ट्रैवल यूनिकॉर्न। सो अगर आप यहाँ पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को जाके सब्सक्राइब कर दीजिए। ये वाले राउंड सर्कल पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं इसी वीडियो से, और इस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। इसी वीडियो को एंड तक देखना, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो ये वीडियो मैं बहुत टाइम से करने वाली थी बट थोड़ा सा डिले हो गया क्योंकि मेरी जॉब भी होती है मंडे टू फ्राइडे एंड देन। सो विदाउट फर्दर ड्यू लेट्स गेट स्टार्ट इन टू द वीडियो, बिकॉज ये वीडियो बहुत ही लंबा होने वाला है क्योंकि मेरे पास बहुत ही सारे आइटम हैं। मैंने इसको बॉटम फ्लेयर जीन्स के ऊपर स्टाइल किया था। आप इसको लेगिंग से ऊपर या स्कर्ट के ऊपर किसके भी ऊपर स्टाइल कर सकते हो। ओके, सो नेक्स्ट आइटम है जीन्स। इट्स बॉटम फ्लेयर, लाइक हाई फ्लेयर जीन्स यू कैन से। इट्स अ स्ट्रेट फिट, सी, एंड देर आर द स्ट्रैप्स हियर। मुझे अपने कैप्सूल वार्डरोब के लिए बेसिक्स आउटफिट चाहिए जो ऐसा ना हो कि फैशन के साथ वो चले जाए और बहुत ही फास्ट फॉरवर्ड फैशन ना बन जाए, ताकि मैं इसको ईयर्स एंड ईयर्स एंड ईयर्स यूज कर पाऊँ। सो आई थिंक दिस इज द काइंड ऑफ अ जीन्स आई वुड लाइक टू इन्वेस्ट फॉर माय कैप्सूल वार्डरोब। इट्स डिवाइडेड, ओके, एंड आई बॉट इट फॉर साइज 40 बिकॉज मेरा साइज 40 है। आप अपने हिसाब से परचेस करना, और इसमें स्मॉल दो पॉकेट्स तो है ही, बट ये एक स्मॉल पॉकेट भी दिया हुआ है और पीछे भी दो पॉकेट्स हैं। सो ये बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है, मुझे तो बहुत ही पसंद है इस टाइप के कम्फी आउटफिट। देन वी हैव अगेन ब्लू जीन्स, या इट्स अ स्ट्रेट फिट एंड इट्स लॉन्ग फ्लेयर। सो दिस फ्लेयर इज अ स्मॉलर देन द प्रीवियस वन, एंड एज यू कैन सी दिस काइंड ऑफ अ लिटिल फंकी, थोड़ा सा फंकी है, यहाँ पे ज़्यादा नहीं है, थोड़ा ही है। सो मुझे ये जीन्स पर्सनली बहुत ही बहुत ही बहुत ही पसंद आई है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है एंड इसका मटेरियल भी बहुत ही सॉफ्ट है। और या एज यूजुअल लाइक दो पॉकेट्स आगे है, दो पॉकेट्स पीछे है, और ये भी साइज 40 है। द नेक्स्ट वी हैव इन द लिस्ट इज दिस। दिस आर द लेदर पैंट्स, ओके। आई डू हैव अनदर वन। दिस डज हैव टू पॉकेट्स बिहाइंड एंड द फ्रंट एज वेल, एंड इट इज अगेन फ्रॉम द डिवाइडेड, एंड आई बॉट इट फॉर द साइज 40। सेल में से मिला और मैंने ले लिया। मैं नेक्स्ट विंटर में यूज करूंगी। मैंने इसको स्टाइल भी किया था बट वो आपको इंस्टाग्राम पे देखने को मिलाएगा। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो आपको लिंक मिल जाए, सर्च भी कर सकते हो अस्मिता कालेना यूजर नेम से भी, ओके। मैं यहाँ पे भी डाल दूंगी यूजर नेम, आप उस पर जाके सर्च कर लेना और मेरे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर देना प्लीज। नेक्स्ट वी हैव इन अ लिस्ट इज अगेन अ ब्लू डेनिम, एंड दिस टाइम इट्स बॉयफ्रेंड जीन्स, ओके। इट्स नॉट अ बॉयफ्रेंड, इट्स मॉम जीन्स, एंड दिस इज वेरी कंफर्टेबल एंड high waisted. So yeah, as you can see this at the bottom it shrinks down and compared to the top. So these are the mom jeans, and I bought it again for the size 40 as usual because meri size 40 hai to main 40 purchase karungi. Okay, next item hai hamare list mein. How cute and beautiful it is. So this is I think we call it buster top. Yeah. So this does have a zipper in the back, and in front it have this cups and this belt of sleeve. So ये मुझे बहुत ही क्यूट लगा था। मैंने रिसेंटली दीपिका पादुकोण को फुल डेनिम लुक के साथ देखा था, आई थिंक जब वो पठान मूवी का प्रमोशन कर रही थी। सो मुझे वो लुक, उस लुक के हिसाब से मैंने ये लिया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने इसको बॉयफ्रेंड जींस के साथ पेयर अप किया था,
बट आप ये इस टाइप के जीन्स के टॉप को कोई भी जीन्स के साथ पेयर अप कर सकते हो, कोई भी जीन्स टॉप के साथ या फिर जीन्स स्कर्ट के साथ पेयर अप करके बहुत स्मार्ट लुक लगेगा और ये बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट है। ये मेरे कैप्सूल वार्डरोब का पार्ट नहीं है बट इट्स काइंड ऑफ लेटेस्ट फैशन, इट्स इन 8, 10, 9 काइंड ऑफ साइजिंग। सो या दिस इज 10 माई साइज। ओके सो बी केयरफुल विद दिस काइंड ऑफ टॉप्स बिकॉज इफ यू आर नॉट अवेयर अबाउट योर साइजेस देन इट्स काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट, यू हैव टू ऑर्डर एंड देन डिस्पैच बैक, रिटर्न इट एंड देन अगेन ऑर्डर इट। मीन वाइल द टॉप विल बी लाइक सोल्ड आउट। या सो दिस वॉज आई थिंक माई क्यूटेस्ट परचेज फ्रॉम H&M रिसेंटली। दिस इज वेरी रिसेंट परचेज। हाँ ओके सो नेक्स्ट नेक्स्ट ये स्वेटर द फिट इज लाइक लूज फिट। ओके दैट्स वाई। ओके सो मुझे ये बहुत ही पसंद आया था और क्योंकि ये विंटर सेल में भी था, विंटर सेल में था तो मैंने इसके 3 कलर परचेस कर लिए थे, जो है ये लाइट ब्लू, देन आई हैव दिस वाइट। लुक एट द स्लीव्स, द मटेरियल इज वेरी सॉफ्ट, वेरी 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 सॉफ्ट। ओ माई गॉड आई लव इट। मुझे बहुत ही पसंद आया था सो मैंने एक ही पैटर्न के, एक ही मटेरियल के 3 टॉप परचेस कर लिए। गाइस कैन यू बिलीव दैट, लाइक दैट इज लाइक नेक्स्ट लेवल। हु कैन थिंक अबाउट दिस काइंड ऑफ अ क्रेजीनेस। एंड हाँ वन मोर थिंग, ये जो है दोनों ही साइड में स्लिट दे रखी है और इसकी साइजिंग आप यहाँ पे देख ही सकते हो, मैंने फ्रंट एंड बैक दोनों दिखाया। तो बहुत ही प्यारा फिट है इसका, लूज फिट है इसीलिए ज़्यादा मुझे पसंद है। सो मैंने ये ब्लैक, वाइट, इट्स काइंड ऑफ ऑफ वाइट, नॉट एग्जैक्टली द वाइट, एंड देन द लाइट ब्लू, या दिस 3 एग्जैक्टली द सेम स्वेटर आई हैव परचेस्ड फॉर माई सेल्फ। वाओ। सो नेक्स्ट आइटम है ये वाला टी शर्ट, ब्लैक एंड वाइट, जिसको आप किसी के भी साथ, लिटरली लाइक किसी के भी साथ पेयर अप कर सकते हो, लाइक ब्लू जीन्स, ब्लैक जीन्स, कार्गो पैंट्स, स्कर्ट, लेगिंग्स, एनीथिंग विथ, यू कैन वेयर इट ऑन योर पजामास ऑल्सो। ओके सो दिस इज वेरी अक्यूट, गिव्स अस लाइक के पॉप ड्रामा एंड टेनिस वाइब। ये वाला टी शर्ट मैंने बहुत टाइम पहले लिया था, अगर मेरे को लिंक मिल गई तो मैं अटैच कर दूंगी, बट मुझे नहीं लगता कि ये अभी अवेलेबल होगा। सो ये वाला क्यूट परचेस था। नेक्स्ट बारी है बिकिनी टॉप्स, या फिर इसको आप बोल सकते हो योगा टॉप। सो वो है ये एक्चुअली मैं अभी जा रही हूँ एक ट्रिप पे, तो मैंने उस ट्रिप के हिसाब से ये वाला लुक क्रिएट किया है। मुझे बताना अगर आपको ये लुक अच्छा लगा है कि नहीं, और गेस भी करना कि ये वाला लुक किस टाइप की सिटी या फिर जगह के लिए बेस्ट रहेगा। तो मैं एक्चुअली जा रही हूँ राजस्थान। आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू द पर्टिकुलर सिटी बट यू आर गोइंग टू वॉच माई शॉर्ट्स वेरी सुन। ओके सो ये वाला टॉप मैंने इस तरीके से कुछ स्टाइल किया था, इसके ऊपर मैं बहुत सारी एक्सपेरिमेंट करने वाली हूँ। सो ये वाला योगा टॉप है, बहुत ही क्यूट है। अगेन इट्स काइंड ऑफ अ पॉलिस्टर एंड लिटिल बिट ऑफ अ शाइनी मटेरियल एंड द बैक, लुक एट द बैक, द डिज़ाइन मुझे इसकी सबसे ज़्यादा पसंद आई है। सो मेरे पास कोई रेड कलर नहीं था और मुझे पर्टिकुलर ये श्रक के साथ इसको पेयर अप करने के लिए मैंने ये परचेस किया है। सो या अगेन अ वेलेंटाइन काइंड ऑफ थिंग, यू कैन पेयर इट विथ एनी काइंड ऑफ जीन्स, इट विल लुक्स गुड गुड एंड किलर। एंड दिस इज द ब्लैक वन, हाँ कूल। ओके सो मैं एक्चुअली और भी प्लान कर रही हूँ, तो थोड़े थोड़े सा आइडिया दे देती हूँ मैं आपको कि मैं इस टाइप के टॉप को एज ब्लाउज और साड़ी पे पहनती हूँ, तो आप उस तरीके से भी स्टाइल कर सकते हो।
मेरी वीडियो को एंड तक देखिए, आपको बहुत सारे आइडियाज मिलेंगे। एंड अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे तो बहुत ही सारे आइडियाज देखने को मिलेंगे, क्योंकि मैं बहुत सारे वीडियोस में स्टाइलिंग आइडिया आपको देने वाली हूँ। है नेक्स्ट है पिंक एंड अगेन पिंक। ओके, दिस इज द ड्रेस अगेन आई एम गोइंग टू यूज ऑन माई नेक्स्ट अपकमिंग ट्रिप। एज यू कैन सी आई एम स्टाइलिंग इट लाइक दिस एंड ओ माई गॉड, द फिट फॉर द ड्रेस इज वेरी गुड। एंड एज यू कैन सी ये पूरा रबर दिया हुआ है, यहाँ पे आगे भी है, यहाँ पे और पीछे भी है। तो अगर आपने इसको, मैंने तो मीडियम ही मंगाया क्योंकि ड्रेसेस में मैं जनरली मीडियम साइज प्रीफर करती हूँ। ये लूज फिट है, तो अगर आप इसको स्मॉल में भी मंगवाओगे तो आपको फिट आ जाएगा आराम से। मुझे भी आ जाता अगर मैंने स्मॉल मंगवाया होता तो, बट मेरी ये टेंडेंसी है कि मैं थोड़े थोड़े टाइम में वेट गेन कर लेती हूँ, तो मुझे ये नहीं चाहिए कि अगर मेरा वेट गेन हो गया है तो मैं ये इतना क्यूट क्यूट वाला ड्रेस तब ना पहन पाऊँ, यू नो। तो इसलिए मैंने अपने साइज में ही कंटिन्यू किया और इसका मीडियम साइज ही मंगवाया था। तो आप देख सकते हो कितना क्यूट लुक आ रहा है ये, बट आपको या आप अपने साइज के हिसाब से मंगवा सकते हो। ये भी बहुत सारे तरीके से स्टाइल कर सकते हैं हम, ऑब्वियसली यू कैन वियर इट विथ हील्स, स्नीकर्स, बूट्स एंड या एंड यू कैन ऑल्सो एक्सपेरिमेंट विथ योर हेयर व्हेन यू आर वियरिंग दिस काइंड ऑफ फ्लफी ड्रेसेस। Oh, I forgot one thing in the bottom wear is that this blue pants, look at the detailings. It's actually a navy blue. I'm not sure if you guys are able to see it, the color, but actually पता नहीं चल रहा है ये ब्लैक है या नेवी ब्लू है, बट इट्स नेवी ब्लू। मुझे भी पिक्चर में जब दिखा था तो मुझे ब्लैक ही लगा था, बट उसमें डिस्क्रिप्शन में लिखा था कि इट्स नेवी ब्लू, और मुझे भी घर पे जब मिला तो मुझे लग नहीं रहा है कि ये नेवी ब्लू है। ये जो बॉडी सूट है पूरा, इसका जो वी नेक है ना वो डीप वी नेक है। अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो देन आप इसको कोई भी इनर वियर के साथ पहन सकते हो, जैसे मेरा भी दिख ही रहा होगा। तो मैंने इसको इस तरीके से स्टाइल किया था, आप विदाउट उसके भी पहन सकते हो। फिर ये अगर आप वेकेशन पे हो तो उस तरीके से आप पहन सकते हो इसको, बहुत ही अच्छा लगेगा। और स्विमिंग पूल के आजू बाजू भी बहुत ही सही लगेगा ये। सो मुझे बहुत पसंद है बोट। दूसरा जो मेरा फेवरेट है वो है ये लाइनिंग वाला ब्लू शर्ट। इट्स ब्लू स्ट्राइप। मैंने रिसेंटली दीपिका पादुकोण को एयरपोर्ट पे पहने हुए देखा था, और फॉर्मल की तरह वियर करोगे तो बहुत ही अच्छा ही लगेगा ऑब्वियसली, बट अगर आप इसको कैजुअली भी वियर करोगे तो ये एयरपोर्ट लुक बन सकता है, या आपके डिनर डेट या फिर आपके फ्रेंड्स के साथ कहीं घूमने चले जाओ, या बहुत ही कैजुअल एंड शिक आउटफिट लगेगा ये। देन वी हैव अनदर शर्ट विच इज दिस ब्लैक शर्ट, एंड आई वुड से इट्स रियली अ वॉर्म थिक मटेरियल। इट्स नॉट काइंड ऑफ वॉर्म, बट या इट्स अ थिक मटेरियल, दैट्स वाई इट्स वॉर्म। एंड लुक एट द बेसिक प्रिंट, द चेक्स, एंड इट्स इन ब्लैक एंड ग्रे एंड वाइट, वाह द बेसिक कलर्स। सो बहुत ही प्यारा मटेरियल है, अगेन ये लूज फिट है, इसमें एक्चुअल पॉकेट भी दिए है। सो ये हाँ, मैंने सारे शर्ट्स एम साइज में लिए, सारे टॉप्स भी एम साइज में है एंड सारे ड्रेसेस भी एम साइज में है। ओके, मेरा साइज है मीडियम। सो ये वाला शर्ट मुझे बहुत ही पसंद आया। ये काइंड ऑफ फनेल पैटर्न है इसकी, आगे से भी लॉन्ग है, पीछे से ऐसे राउंड है। तो मैंने आपको दिखाया है यहाँ पे कि उसका शेप कैसा है। नेक्स्ट इन आइटम है ये वाइट शर्ट। दिस इज अगेन अ वेरी थिक एंड हाई मटेरियल, ओके, हाई क्वालिटी मटेरियल, एंड दिस इज अगेन अ साइज एम एंड इट्स प्योर वाइट। सो मैंने इसको ये वाले कार्डिगन के साथ पेयर किया था, एज यू कैन सी इन द वीडियो। सो
ये मुझे सेल में पड़ा था, आई थिंक 700 और समथिंग, ये था तो कुछ 1400 और समथिंग का, तो मुझे ये ऑलमोस्ट लाइक 50% ऑफ में मिला था, तो मैंने इसको बाय कर लिया। ये इस टाइप के कार्डिगन जो स्लीवलेस होता है ना, या इस टाइप की बड़ी स्लीव के होते हैं, आप इसको कोई भी शर्ट के साथ पेयर अप कर सकते हो। आई मीन बिकॉज इट्स डार्क कलर, सो ऑलवेज प्रीफर द लाइटर कलर ऑफ द शर्ट। सो ये नेवी ब्लू है एंड इसमें ग्रीन कलर के स्ट्रैप्स है, तो मैंने इसको वाइट शर्ट के साथ पेयर अप किया था, एज यू कैन सी हियर। सो ये तो कोई भी शर्ट के साथ चला जाएगा, ये तो मतलब आप अनलिमिटेड वेज में इसको स्टाइल कर सकते हो, और शर्ट के लिए तो मेरा प्यार अलग ही है। आगे बढ़ते हैं, अभी मेरे पास है एक बहुत ही बहुत ही बहुत ही प्यारा क्यूट सा टॉप, विच इज इट्स ब्लैक। लुक एट द प्रिंट, ये आगे में ऐसे डिटेलिंग दी हुई है, कॉर्सेट जैसी वाइब देगा, और इसका हार्ट नेक लाइन तो देखो यार कितना प्रिटी है, कितना प्रिटी है। इसी में दूसरा कलर भी ले लिया, विच इज वाइट। लुक एट दैट, हाउ प्रिटी, ओ माय गॉड, आई एम लविंग इट, आई एम लविंग इट। सो स्लीव देखो, आप स्लीव की डिटेल्स देख रहे हो, ये कॉटन है। बाय द वे द मटेरियल इज द कॉटन, या काइंड ऑफ प्योर कॉटन, बट ये वाइट वाला तो सी थ्रू लगेगा, ब्लैक में कुछ दिखेगा नहीं, बट वाइट के नीचे आपको कुछ न्यू स्टिकीज वगैरह लगवाना पड़ेगा आपको, अगर आप ब्रा नहीं पहनने वाले हो तो। बट या आई थिंक द स्टिकीज और मे बी द न्यू टेप विल वर्क। सो ये था क्यूट सा टॉप, अगेन टू टॉप्स, एंड आई एम नॉट गोइंग टू रिटर्न इट, आई एम नॉट गोइंग टू रिग्रेट इट, आई एम गोइंग टू स्टाइल इट सो मेनी वेज। ओके, दिस टू टॉप्स। ओके, द नेक्स्ट वी हैव अ क्यूट कार्डिगन इन अ ग्रे कलर, एंड इट्स इन अ एम साइज, बट इट्स अ लूज फिट अगेन, सो इट फील्स लाइक यू आर वियरिंग अ टू साइज बिगर, बट नो, इट लुक्स गुड। सो ये वाला जो कार्डिगन है ग्रे कलर का है, और ये काफी नेकलाइन इसकी भी बड़ी है, और ये शॉर्ट भी है, तो ये बहुत ही क्यूट लगेगा। इसकी स्लीव देखो, इसको ऑब्वियसली आपको विंटर में स्टाइल करना है, या फिर आप कैजुअली ऑटम में भी कर सकते हो, बट नॉट, डेफिनेटली नॉट इन द समर यू। नेक्स्ट आइटम विच इज द कार्गो पैंट्स, राइट नाउ आई एम लविंग इट। सो दिस इज द वन आई हैव फ्रॉम H&M, इट्स इन ब्लैक एंड इट्स काइंड ऑफ यूटिलिटी पेंट्स बिकॉज इट डज हैव मल्टीपल पॉकेट्स। सो अगर किसी ने मेरा लेटेस्ट शॉर्ट देखा है, तो मैंने सैटरडे के लिए यही फिट को चूज़ किया था, तो इसके ऊपर मैंने ब्लैक एंड वाइट टॉप को पहना था, जैसे मैंने आपको दिखाया पहले, और यहाँ पे आपको ट्रायल में दिख रहा होगा। तो ये वाला था कार्गो पैंट, ये एक्चुअली एंकल लेंथ है और हाई वेस्टेड है, तो ये फुल लेंथ नहीं, एंकल लेंथ है, तो आप इसको इसके नीचे स्नीकर्स पहन सकते हो, या फिर बूट्स पहनो, या फिर ट्रेनर, चंके ट्रेनर्स भी पहन सकते हो, एज आई शोड यू इन माई ट्रायल, यू कैन सी इन ऑन द स्क्रीन ऑल्सो। सो आई थिंक द क्लोथ्स आर डन, सो आई एम गोइंग टू शो यू अ बैग कलेक्शन राइट नाउ, या बैग्स। ओके, इट्स टाइम फॉर बैग्स। सो दिस इज द फर्स्ट वन, लुक एट द कलर, एंड आई एम वेरी वेरी क्रेजी हेड, मुझे बहुत पसंद आया था, तो मैंने इसको ब्लैक में भी परचेज कर लिया है। मेरे पास ऐसा सेम ब्लैक में भी है, जो मैंने पहले 3-4 महीने पहले खरीदा था, और ये मैंने अभी रिसेंटली खरीदा है। इट्स नॉट वाइट, इट्स बीन्स, या सो मैं अगर आपको दिखाऊँ, बहुत ही अच्छा है, स्पेसिस भी, ये एक पॉकेट है, इसको मैंने वो रिव्यू वाली वीडियो में डाला था, और इसमें ये दूसरा पॉकेट है, या दो पॉकेट, और ये देखो इसका जो ये लॉक है कितना प्यारा है, हाउ क्यूट। आई एम एक्चुअली ऑब्सेस्ड विथ न्यूट्रल कलर नाउ डेज, सो दैट्स वाई आई बॉट इट,
in binge as well, and I do have a black as well. So if you are traveling, like, you know, internationally or, you know, like in airport, you need this kind of bags. Then again, we have in the list is this beautiful shoulder bag, and this is again in a binge color. As I mentioned, that the neutral color are my color palette nowadays. So this has this kind of velvety touch material back here, and there we have one pocket and the smallest one, the two. So yeah, basically we do have two pockets, and look at the print, it's kind of a checks, and look at the chain, it's gold. Next we have in our list is my favorite one. This is the dark brown, but look at the detailing and classy. I think you can wear it with your office wear, live meeting as well. And this is again with the velvet touch. This is kind of leather, but I'm not sure it's a real one or the fake leather. Then we have the big pocket here and the small pocket with the zipper. Yeah, सो आराम से हम अपना थोड़ा बहुत मेकअप का सामान एंड मोबाइल फ़ोन तो रख ही सकते हैं इसके अंदर, और थोड़े बहुत से पैसे. ये बहुत ही अच्छा बैग है, मुझे बहुत पसंद आया ये, और ये बहुत सारी चीज़ों के साथ जाएगा, मतलब फॉर्मल के साथ, कैजुअल के साथ, ड्रेसेस के साथ, डेट नाइट्स के लिए, फ्रेंड नाइट्स के लिए, मूवी नाइट्स के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए ये यूज़ आएगा. सो I think, yeah, I do have multiple bags collection, but that is going to be the another video, okay? So last but not the least is these chunky trainers from H&M. Look at them, how pretty right now, because maine isko zyada use nahi kiya, ek hi bar use kiya hai, to ye abhi brand new lag raha hai, pure white. या सो टॉप ये वाइट दिख रहा है, बट ये बिंज है, लाइट बिंज, सो इट्स काइंड ऑफ वाइट, सिमिलर टू वाइट. सो बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, आप इसको मॉनसून में तो बिल्कुल नहीं निकाल सकते, इतने भी हैवी नहीं है, लाइट वेट है, आप इजीली मैनेज कर पाओगे, और बहुत सारी चीज़ों के ऊपर जाएगा ये. कैजुअल के लिए तो परफेक्ट है, फॉर्मल में नहीं जाएगा ये, फॉर्मल के लिए ये नहीं है. बाकी आप इसको ड्रेसेस के ऊपर या इंडो वेस्टर्न के लिए स्टाइल कर सकते हो, बहुत ही प्यारी चीज़ें हैं. मैं लिंक अभी H&M और भी बहुत सारे ट्रेनर्स, चंकी ट्रेनर्स लॉन्च कर रहे हैं, नए नए बहुत सारे आइटम्स अवेलेबल है अभी इस टाइप की चीज़ में, बट मुझे बेसिक सा चाहिए था, सो आई चूज द वाइट एंड द बिंज वन. अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा है तो मुझे बताना कि आपको H&M का पार्ट टू वीडियो चाहिए कि नहीं, क्योंकि वो पार्ट टू, पार्ट थ्री एंड पार्ट फोर भी हो सकता है. अभी बहुत सारी आइटम्स है रिव्यू करने की और आपको दिखाने के लिए. एंड एज आई प्रोमिस्ड कि अभी ज़ारा हॉल का वीडियो भी मैंने प्रीवियसली बताया था कि वो भी लिंक्ड अप है, बहुत ही जल्दी लेके आऊँगी मैं ज़ारा हॉल भी, क्योंकि वो भी बॉक्सेस ऐसे ही पड़े हुए, मैंने उसको भी अनबॉक्स तो कर लिया है बट उसका मैंने ट्राई ऑन नहीं किया है, तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी उसको जल्द ही मैं उसको शूट करूँगी, एडिट करके आपको दिखाऊँगी मैं. तो इतना ही था ये वीडियो में, ऑलरेडी ये वीडियो लंबा हो चुका है, तो मैं बस आपकी रजा लेना चाहूँगी और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बस आप मेरे वीडियो को शेयर कर दीजिए, वैलेंटाइंस है तो मे बी ये पिंक वाली आइटम तो वैलेंटाइंस के साथ जाएगी, तो आप अपने गर्लफ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हैं, या आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हो, बर्थडे गिफ्ट्स भी दे सकते हो आप इन सारे आइटमों से, क्योंकि बहुत सारे ऐसे आइटम्स हैं जो आई मीन 1500 से नज़दीक है या फिर अंदर है, यू नो, सो आप अफोर्ड कर सकते हो एज अ गिफ्ट किसी को देने के लिए, या फिर वैलेंटाइंस गिफ्ट के लिए अपनी गर्लफ्रेंड को, या फिर गर्लफ्रेंड लोग आप अपनी बॉयफ्रेंड को बोल दो कि मुझे ये आइटम चाहिए, और उन लोगों को वीडियो शेयर कर दो. अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर देना वीडियो को, प्लीज़ शेयर कर दो, ताकि
मेरी वीडियो और मेरे कंटेंट अच्छे लोगों तक पहुंच पाए और बहुत सारे अच्छे वीडियोस लेके आ सकूं, तो मुझे भी थोड़ी सी मोटिवेशन मिल जाएगी प्लीज गाइस, क्योंकि मेरी जॉब भी होती है, फिर मुझे शूटिंग भी करना होता है, मुझे घर का काम भी करना होता है। एज यू कैन सी कि मैंने बहुत सारे कुकिंग व्लॉग्स भी डाले हैं, तो मुझे कुकिंग भी करना होता है। सो इन सारी चीज़ों के बीच में मैं आपके लिए ट्राई ऑन होल लेके आती हूँ, विच इज़ वेरी काइंड ऑफ डिफिकल्ट थिंग इन बिटवीन द हेक्टिक शेड्यूल यू नो, बट मुझे अच्छा लग रहा है। अगर आपका रिस्पॉन्स भी मुझे मिलेगा, अगर आपको अच्छे लग रहे हैं मेरे वीडियोज़, तो प्लीज़ कमेंट में बताइए। और आपको तो ड्रिल पता ही है, लाइक शेयर एंड कमेंट का आइज, प्लीज़ शेयर माई वीडियोज़ एंड कमेंट में मुझे जल्दी से बताना कि आपको कौन कौन से प्रोडक्ट की लिंक चाहिए या फिर सारे प्रोडक्ट्स की लिंक चाहिए। अगर सारे प्रोडक्ट्स की लिंक चाहिए देन मैं नेक्स्ट मेरी कमेंट ऐड करके पिन कर दूंगी उसको, बट मुझे चाहिए कि आप कमेंट करो और बहुत सारे कमेंट करो। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए एंड बाय।